नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो है सिंह राशि के लिए, अग्नि तत्व की राशि सिंह राशि के लिए जुलाई और अगस्त दोनों कैसा रहेगा, ये दो मंथ इसके बारे में है। जुलाई का प्रेडिक्शन अभी बाकी है और अगस्त शुरू होने की तैयारी है। आधे जुलाई तक हम पहुंचने वाले हैं, इसलिए ये प्रेडिक्शन जुलाई और अगस्त का एक साथ अभी दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये प्रेडिक्शन जो है चंद्र राशि आधारित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र 5 नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशि सिंह है और आपको ये प्रेडिक्शन असर करने वाला होगा। कोई भी साल के अंदर 15 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य भी आपके सिंह राशि में है तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों सिंह राशि के अंदर है तो ये प्रेडिक्शन आपको सबसे ज़्यादा असर करने वाला होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह सूर्य ग्रह के ट्रांजिट से। तो जुलाई में जो सूर्य है ये मिथुन राशि में चलेंगे 16 जुलाई 2021 तक। 16 जुलाई को सुबह 10:48 को सूर्य राशि परिवर्तन करके चलेंगे कर्क राशि के अंदर, इसको बोलेंगे कर्क संक्रांति। तो मिथुन में चलने वाले सूर्य आपके लिए कैसा फल देने वाले होंगे? मिथुन में चलने वाले सूर्य आपके लिए मध्यम फलदायी है, क्योंकि जो ये नक्षत्र पुनर्वसु में चलने वाले हैं, जो चल पड़े हैं अभी पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं 19 जुलाई तक, ये खास करके मघा नक्षत्र में और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि इसकी जो योनि है ये आपकी शत्रु योनि है। तो 16 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि के अंदर हैं, ये भले आपको लाभ स्थान के अंदर हैं लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करवाएंगे मघा एवं पूर्व फाल्गुनी वाले जातकों को। फिर भी सूर्य 11वें स्थान के अंदर हैं तो बिजनेस में, कैरियर में आपको प्रोग्रेस को तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में संक्रांति करेंगे, इसको बोलेंगे कर्क संक्रांति। और जो संक्रांति का पुण्य काल है वो रहेगा सुबह सूर्योदय से लेकर 10:48 तक रहेगा, क्योंकि सुबह 10:48 को सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। तो संक्रांति काल में आप महत्तम दान पुण्य मंत्र करिए, सूर्य का मंत्र करिए, तो इसका आपको विशेष शुभ फल मिलने वाला है। तो मिथुन में चलने वाले सूर्य आपके लिए थोड़ा भी बेटर है, थोड़ा भी शुभ है, क्योंकि लाभ स्थान के अंदर है तो बिजनेस में, कैरियर में थोड़ा प्रोग्रेस तो करवाएंगे। फिर भी शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि करने वाले जातकों के लिए समय शुभ नहीं होगा। संतान रिलेटेड सामान्य चिंता टेंशन आप महसूस करेंगे और खास करके 16 जुलाई के बाद का जो समय है वो आपको ज़्यादा केयर करना होगा। 16 जुलाई से 16 अगस्त सूर्य कर्क राशि में क्रांति करेंगे। कर्क राशि में राशि से 12वें स्थान के अंदर भ्रमण करेंगे। 12वें स्थान में चलने वाले सूर्य का फल शुभ नहीं माना जाता है। आपको अपनी हेल्थ के बारे में केयर करना होगा, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में केयर करना होगा, कोर्ट कचहरी के इत्यादि के कोई कार्य आते हैं तो उसमें भी आपको केयर करना होगा। तो 16 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करके चलेंगे आपकी राशि के अंदर, इसको बोलेंगे सिंह संक्रांति। तो सिंह में जाने वाले जो सूर्य है ये शाम को 16 तारीख को बदलेंगे 7:12 को। तो इस दिन जो क्रांति का पुण्यकाल रहेगा वो मध्याह्न से लेकर सूर्यास्त तक रहेगा। और सूर्य क्रांति का विशेष महत्व इसलिए है कि सूर्य क्रांति के जो समय होता है उन समय के दरमियान आप जितना भी मैक्सिमम दान पुण्य मंत्र करते हो उसका आपको विशेष शुभ फल मिलता है। तो 16 अगस्त को सूर्य जब आपकी राशि के अंदर आ जाएंगे तो जिसके कारण क्या होगा कि आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा, फादर के साथ रिलेशन में इम्प्रूव होगा, ये सब जगह पे होगा। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा कि जब सूर्य आपकी राशि के अंदर चलेंगे तो आपके लिए खास करके दाम्पत्य जीवन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बनेंगे। तो जो भी जातक विवाहित है, मैरिड हैं, इनको दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में विशेष केयर करना होगा। तो कुल मिला के क्या कहेंगे कि 16 अगस्त के बाद का जो समय है
ये आपके लिए थोड़ा बेटर बनता है, फिर भी रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ टेक केयर करना होगा। प्रिडिक्शन में बात करते हैं सब ग्रह की ट्रांजिट के बारे में, तो सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह का जो भ्रमण है वो आपके लिए आपकी राशि से अष्टम स्थान के अंदर है जुलाई में, जो पूरा जुलाई आपके लिए अष्टम स्थान में ही चलेंगे। अप्रोक्सीमेटली 16 अगस्त तक जो मंगल है वो राशि से अष्टम स्थान के अंदर है। तो आठवें स्थान में चलने वाले मंगल का फल भी शुभ नहीं माना गया है। पारिवारिक समस्या आपको क्रिएट करवाएंगे, फाइनेंशियल बेटर में डिस्टरबेंस क्रिएट करवाएंगे, हेल्थ में भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ सकता है। तो 16 अगस्त तक का जो समय है मंगल आपके लिए शुभ नहीं है। 16 अगस्त को मंगल पराक्रम स्थान में दृष्टि करेंगे, चलेंगे भाग्य स्थान के अंदर, जिसके इम्पैक्ट के अंदर खास करके 16 अगस्त के बाद का जो समय है इसमें भी मेडिकल एक्सपेंसेस आने की संभावना रहती है, क्योंकि मंगल की 12वें स्थान में दृष्टि होगी, पराक्रम स्थान में दृष्टि होगी, जिसके कारण ब्रदर सिस्टर्स एवं नेबर्स के साथ भी आपको रिलेशनशिप में केयर करना होगा। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करने जाते हैं तो बहुत सोच समझ के करें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें 16 अगस्त के बाद और उससे पहले भी, क्योंकि जब मंगल खाड़े में चलते हैं, खाड़ा आठवां स्थान जो है वो खाड़ा का स्थान माना गया है, तो जब जब भी मंगल आठवें स्थान के अंदर हो, 12वें स्थान के अंदर हो, चौथे स्थान के अंदर हो, ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये टेंशन क्रिएट कर देते हैं। मंगल चौथे स्थान के अंदर भले आपके लिए स्वग्रही होते हैं, लेकिन वृश्चिक के जो मंगल है ये आपके लिए जल तत्व की राशि के मंगल है, जो आपका एग्रेसिवनेस है सिंह राशि का, अग्नि तत्व का, इसको ये ठंडा कर देंगे। तो जिसके इम्पेक्ट के अंदर क्या होगा कि मंगल अष्टम स्थान में होने के कारण थोड़ा सा हेल्थ में गड़बड़ हो सकता है, कफ प्रकृति आपकी बढ़ सकती है, तो खान पान में आपको विशेष केयर करना होगा। 16 अगस्त तक का समय आपको हेल्थ वाइज भी ज़्यादा केयर करना है। 16 अगस्त के बाद मंगल भाग्य में वृद्धि करने वाले बनेंगे और छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ रहेगा। और बुध का जो भ्रमण है वो कुछ इस प्रकार है, बुध आपके जो है वो मिथुन राशि के अंदर है 1 अगस्त तक, यानी कि 1 अगस्त तक जो बुध है आपके 11वें स्थान के अंदर है, और 11वें स्थान के अंदर बुध आपके लिए शुभ फल देने वाले होंगे, मित्रों से लाभ करने वाले होंगे। लेकिन 1 अगस्त से लेकर जो बुध का भ्रमण होगा 17 अगस्त तक बुध आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर चलेंगे, तो 12वें स्थान में चलने वाले बुध भी आपके लिए शुभ नहीं माने जाएंगे। बुध के लिए भी ऐसा कहते हैं कि जब बुध 8वें एवं 12वें स्थान में चलते हैं तो बुद्धि उल्टे मार्ग पर चलती है, और ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। और 17 अगस्त के बाद जो बुध चलेंगे आपकी राशि के अंदर, जिसके कारण थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, लेकिन माइंड का वाइब्रेशन आपका बढ़ सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। शुक्र का भ्रमण आपकी राशि से 10वें स्थान के अंदर है, जो 31 जुलाई तक है, जो कि आपके लिए शुभ माने जाएंगे। लग्जरियस इंडस्ट्री के में काम करने वाले जातकों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट मिलने की संभावना है। इसके बाद भी शुक्र का भ्रमण शुभ होगा, 31 के बाद मिथुन राशि में चलेंगे, तो राशि से 11वें स्थान में चलने वाले शुक्र भी आपके लिए शुभ है, लव मैटर में सक्सेस देने वाले बनेंगे। गुरु केतु पंचम स्थान के अंदर हैं, जो कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस और रिलेशन में प्रॉब्लम करवाएंगे आपके संतानों के साथ, और जो भी जातक शेयर सेक्टर लॉटरी इत्यादि के कार्य कर रहे हैं इनके लिए समय शुभ नहीं होगा। शनि आपके 6वें स्थान के अंदर चल रहे हैं, जो कि खास करके सिंह राशि में जो कोई भी जातक का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है इनके लिए स्ट्रेसफुल ट्रांजिट में चल रहे हैं, क्योंकि आपके लिए विपत नक्षत्र में चल रहे हैं। तो शनि के कारण क्या होगा, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और इसके कारण आपका बचत कम होगा, मेडिकल एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। 12वें स्थान में शनि की दृष्टि है, 16 अगस्त के बाद मंगल और शनि की संयुक्त दृष्टि 12वें स्थान के अंदर होगी, तो आँखों का भी आपको विशेष केयर करना होगा और ब्रदर सिस्टर रिलेशन में भी आपको केयर करना होगा, क्योंकि 3रे स्थान के अंदर भी मंगल और शनि की संयुक्त दृष्टि आपके पराक्रम स्थान में अंगारक योग करेंगी, जिसके इम्पैक्ट के अंदर आपको अपने ब्रदर सिस्टर्स
एवं नेबर्स के साथ रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा ही केयर करना होगा। तो डेट्स आपको जो कौन कौन से टेक केयर करना है इस मंथ के अंदर वो इस प्रकार रहेगा। एक तो आपको करना है 13 जुलाई जो मंगल मीन राशि में चलेंगे, 12-13 जुलाई आज और कल, और नेक्स्ट ट्रांजिट जो मंगल का होगा सॉरी चंद्र का होगा, डेट जो आपको टेक केयर करना है ये आपके लिए रहेगा 20, 21 और 22, जिसमें चंद्र चलेंगे कर्क राशि में। कर्क के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र में भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उसके बाद आपको डेट टेक केयर करना होगा 29 और 30 जुलाई, जिसमें चंद्र चलेंगे वृश्चिक राशि में। वृश्चिक के चंद्र राशि से 4थे स्थान के चंद्र बनते हैं। 4थे चंद्र में भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो अगस्त में आपको कौन कौन से डेट टेक केयर करना है वो इस प्रकार है। अगस्त में जो आपको टेक केयर करना है डेट वो इस प्रकार रहेगा 7, 8 और 9 अगस्त, जिसके अंदर जो चंद्र चलेंगे मीन राशि में। तो मीन के चंद्र राशि से 8वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 8वें चंद्र में पारिवारिक समस्या क्रिएट ना हो जाए उसका खास केयर करना होगा। इसके बाद आपको डेट टेक केयर करना होगा 16। अच्छा, इसके अलावा जो जो हमने बताया 7, 8, 9, 5 जो जिसमें चंद्र मीन राशि में रहते हैं, इसमें आप नदी समंदर तालाब किनारे घूमने जाते हो तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरे। बारिश का अभी सीजन चल रहा है और ऐसी परिस्थिति में आप कहीं बाहर जाते हैं पानी भरा हुआ है रोड के ऊपर, आपको पता नहीं है कि वहाँ क्या है, तो उसमें जाने की हिम्मत ना करें और जल्दबाजी ना करें, तो पानी आपके लिए थोड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। डेट रहेगा 7, 8 और 9 अगस्त। इसके बाद आपको डेट टेक केयर करना होगा 16, 17 और 18, जिसमें चंद्र 16, 17, 18 अगस्त, जिसमें चंद्र चलेंगे कर्क राशि में। कर्क के चंद्र वंस अगेन 12वें चंद्र बनते हैं। 12वां चंद्र लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन के लिए शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि 12वें स्थान में चंद्र के कारण माइंड का वाइब्रेशन बढ़ जाता है और ऐसी परिस्थिति में लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की जल्दबाजी ना करें। और वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 25, 26 और 27, जिसमें चंद्र चलेंगे वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक के चंद्र राशि से 8वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 8वें चंद्र में भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तो ये है प्रिडिक्शन जुलाई और अगस्त का सिंह राशि का। आपकी जानकारी में आपके कोई मित्र हैं सिंह राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होता है इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी हमारी शुभकामना है। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है तो एक क्वेश्चन आप एब्सोल्युटली फ्री में पूछ सकते हो, आपके नाम के साथ डेट ऑफ बर्थ टाइम एंड प्लेस व्हाट्सएप कर दीजिए। और यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो भी आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस आपके नाम के साथ व्हाट्सएप कर दीजिए। हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए ऐसा लिखकर हम आपको एज सून एज कॉन्टेक्ट करेंगे। और आपका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाम लिखने बहुत से जो जातक हैं वो भूल जाते हैं। तो आपके डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस के साथ आपका नाम और आपका क्वेश्चन और हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए आप करना है तो हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए ऐसा लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर इस प्रकार रहेगा 9998011838, यानी कि 9998011838। सोशल मीडिया के तमाम माध्यम से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके। मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में। आप अपना टेक केयर करें, अपने फैमिली का टेक केयर करें। जय गणेश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे।